परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल गोभी मंचूरियन रेसिपी, तो स्वागत है आपका मेरी किचन में। आज हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा, बहुत ही टेस्टी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बनाने के बाद तो आपको खुद भी महसूस नहीं होगा कि ये आपने बनाया है। ऐसा लगेगा कि जैसे आपने किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है। तो जल्दी कीजिए, इसे ट्राई कीजिए और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। गोभी मंचूरियन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गोभी ली है और उसके फूल अलग करके उसे बीच में से आधा कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले पानी थोड़ा सा बॉयल करना है, तो मैंने पहले से ही पानी रख दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और कटी हुई गोभी को इसमें डालेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है हमें, सिर्फ हल्का सा इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए बॉयल करना है। बहुत हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएगी और उसके बाद हम इसे छानकर ट्राई करेंगे। तो थोड़ा सा इसे हिला दें नमक वाले पानी में और ढककर इसे सिर्फ 2 मिनट तक आप बॉयल कर लें। 2 मिनट हो गए हैं तो गोभी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो गई है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर देंगे तो बिल्कुल क्रंची मंचूरियन नहीं तैयार होगा, इसलिए ध्यान रखिए घड़ी देखकर आपने सिर्फ 2 मिनट ही बॉयल करना है। अब मैंने इसे छान लिया है और इसका सारा पानी निकाल दिया है और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। अब हम चलते हैं और सामान तैयार कर लेते हैं। एक बाउल लें, उसमें आप डालें 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच मैदा। हमें इसका घोल तैयार करना है और अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से और काली मिर्च 1/3 चम्मच। थोड़ा सा मैं यहाँ पर फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, तो ऑरेंज फूड कलर मैंने लगभग एक चाकू की नोक के बराबर लिया है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम एक अच्छा सा घोल तैयार करेंगे। घोल थोड़ा सा रनी होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप पानी डालकर इस कंसिस्टेंसी का इसे घोल तैयार कर लें। गोभी ड्राई हो जाने के बाद अब आप उसे एक बाउल में डाल लीजिए और उसमें हम 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, जिससे कि इसका मॉइस्चर सारा निकल जाए और गोभी थोड़ी सी ड्राई हो जाए। उसके बाद जब हम इसे कोट कर फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये क्रिस्प हो जाएगी। हल्का सा नमक डाल दें जिससे कि ये बहुत फीकी ना लगे। तो अब मैंने इसे मिलाकर किनारे रख दिया है। अब चलते हैं और चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्याज को बड़ा काट लिया है, शिमला मिर्च ली है आधी बारीक कटी हुई, 1.5 चम्मच आप ले लीजिए अदरक कटी हुई और 1.5 चम्मच लहसुन यानी 15 कलियाँ लहसुन की, 3 हरी मिर्च और स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा। इसके साथ साथ आपको चाहिए सोया सॉस 2 चम्मच, टोमेटो सॉस 2 चम्मच, 3 चम्मच टोमेटो चिली सॉस, विनेगर 1 चम्मच और नमक स्वाद के हिसाब से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोभी को फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और गोभी को हमने उस लिक्विड में डाल देंगे जो हमने कॉर्नफ्लोर और मैदे का बनाया था। अब हम इसे फ्राई करेंगे, तो एक एक करके आप इसमें डाल दीजिए। तेल को थोड़ा सा ज़्यादा गरम रखना है, हल्के गुनगुने में डालेंगे तो ये अच्छी तरीके से नहीं क्रिस्पी होगा और ये नीचे चिपक जाएगा। तो तेल को थोड़ा सा गरम रखें और एक एक करके इसमें आप डाल दीजिए और उसके बाद आप इसे 1-2 बार पलट कर अच्छा सा सुनहरा कर लीजिए। तो कॉर्नफ्लोर है तो ये चिपक जाएगा आपस में, इसलिए आप इसे 1-2 बार पलटने के बाद छुड़ा लीजिए, आसानी से ये छूट जाएगा और सेपरेट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे पकोड़े पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखा आपने गोभी मंचूरियन रेसिपी कितनी आसान है। आपका जब भी फटाफट मंचूरियन खाने का मन करे और मेहमान आ जाए और उसे फटाफट से बनाना हो तो आप गोभी मंचूरियन को फटाफट बना सकते हैं। तो लीजिए पकोड़े सारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम चलते हैं इसका मसाला या ग्रेवी तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी तेल में से 2 बड़े चम्मच तेल यूज़ किया है और साथ में अदरक और लहसुन इसमें डाल दिया है। 10 सेकेंड तक इसे आपने फ्राई करना है। उसके बाद अब आप इसमें हरी मिर्च डालकर उसे भी 4 से 5 सेकेंड के लिए फ्राई कर लीजिए। ज़्यादा स्पाइसी करना है तो हरी मिर्च आप ज़्यादा डाल सकते हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इतनी ही हरी मिर्च यूज़ करें। स्प्रिंग अनियन डालकर अब इसे भी भून लें और स्प्रिंग अनियन से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है तो इसे डालना। कटी हुई शिमला मिर्च भी मैंने इसमें डालकर इसको थोड़ा सा भून लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, वो भी थोड़े से बड़े कटे हुए, क्योंकि ये टुकड़ों में जब भी खाने में आते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे भी हल्का गुलाबी होने तक आप इसे भून लें। तो इस तरीके से ये मसाला आपने तैयार करना है, बहुत ही आसान है। बस हल्का सा ये गुलाबी हो गया है तो चलिए अब हम इसमें सॉस मिलाते हैं। तो सॉस में मैंने आपको बताया था कि मैंने कौन कौन सी सॉस ली है। तो यहाँ पर मैंने टोमेटो सॉस 2 चम्मच और रेड चिली सॉस, टोमेटो चिली सॉस जो है वो 3 चम्मच और सोया सॉस वो भी 1.5 से 2 चम्मच। इन सभी को डालने के बाद आप इसे मिला लें और खट्टापन लाने के लिए इसमें हम डालेंगे विनेगर। विनेगर थोड़ा सा यूज़ करें और उसके बाद नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला दें।
तो ये मसाला लगभग आपका तैयार हो गया है। मिलाने के बाद हम इसे ड्राई मंचूरियन बना रहे हैं, तो पानी थोड़ा सा कम ही यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो सारी चीज़ें मैंने मिला दी हैं और अब हम पानी डाल रहे हैं इसमें लगभग आधा कप। आधा कप पानी डालने के बाद इसे आप अच्छी तरीके से उबलने दीजिए। उबलने के बाद हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर घोलकर। लगभग 3 चम्मच के करीब आप कॉर्नफ्लोर घोल लें। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लोर को घोल लेंगे। हल्का सा पानी अभी मैं इसमें और डाल रही हूँ क्योंकि पानी अभी सूख जाएगा थोड़ी देर में, और हमने गोभी 300 ग्राम ली थी तो उस हिसाब से पानी लगभग आधा से पौना कप इसमें डल जाएगा। तो लगभग थोड़े से पानी में मैंने कॉर्नफ्लोर को घोल लिया है और इसमें उबाल आ गया है, तो इसको इसमें डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर मीडियम रखेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे ग्रेवी आपकी बहुत अच्छी तरीके से थिक हो गई है। तो बस इसी स्टेज पर हम गोभी इसमें डालकर इसको मिला देंगे। गोभी डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको मसाले में आप कोट कीजिए और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 मिनट तक इसे थोड़ा सा पका लेते हैं, तो हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएगी और क्रंची भी बनी रहेगी। तो इस तरीके से ये गोभी मंचूरियन आपका बनकर तैयार हो जाएगा। बस स्प्रिंग अनियन हमें ऊपर से डालकर इसे सर्व करना है। तो गर्मा गर्म हम इसे सर्व कर रहे हैं। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आपने जैसा कि देखा तो आप भी इसे ज़रूर बनाकर देखिए। ना तो इसमें कोफ्ते बनाने का झंझट है और ना ही कोई ज़्यादा परेशानी, तो आप इसे जब भी बनाकर खाना चाहें आसानी से बनाकर खा सकते हैं और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी एक नई ट्रिक के साथ। हैप्पी कुकिंग।